हूँ। आप सब खैरियत से होंगे? और जी मैं भी ठीक ठाक। और ये मॉर्निंग का टाइम, नाश्ता हमारा हो गया है और मैं पी रही हूँ चाय। और आज जो है काम बहुत है, तो आज मैं कपड़े भी सीने हैं, मेरे पास सिलाई के कपड़े आए हैं जो मैं वो भी सीऊँगी, और घर का काम भी होगा। तो घर की सफाई तो बेटी करेगी, और ये है कि मैं कपड़े कटिंग करूँगी अभी, और फिर खाने का दोपहर के खाने की तैयारी करेंगे। तो आज मेरे को सीने हैं 2 सूट, एक ये सूट है लॉन कॉटन का और एक, हाँ जी, ये 2 सूट हैं जो आज मेरे को रेडी करके देने हैं, और दोनों सूट स्टाइलिश है। तो मेरा ब्लॉग सारा दिन का होगा, उसमें मैं कपड़े भी सीऊँगी और खाना भी बनाऊँगी। तो जी शुरू करने जा रही हूँ अपना काम। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी मैं शुरू करती हूँ अपना काम। हाँ बना लो। हाँ जी मेरी बेटी के लिए चाय बना ले हमने बोला, हाँ क्योंकि वो अब जा रही है सफ़ाई करने, और मैंने बोला चलो जब तक ये सफ़ाई कर रही है तो मैं अपने सूट की सफाई शुरू कर देती हूँ, और फिर दोपहर के खाने के लिए कुछ ना कुछ बनाती हूँ, गोश्त वगैरह निकालती हूँ कुछ जाके फ्रिज में से। तो अभी मसला ये हो रहा है मेरी मशीन में कि इसके ना टाका सही नहीं आ रहा है। अभी कोई बच्चा उठेगा तो मेरा बेटा उठे तो फिर उसको खुलकिन जाके ये दिखा कर आए, तो फिर मैं इसकी सिलाई शुरू करती हूँ। और मेरे को कपड़े भी आज लाजमी देने हैं क्योंकि जिनके उनके घर में आज शायद मंगनी वगैरह है या कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें उनको पहनने हैं। तो चले आगे देखती हूँ क्या होता है। अच्छा जी कपड़े तो मेरे कट गए हैं और अब मैं मशीन पे बैठी हूँ सिलाई करने। अभी ये मेरी मशीन जो है ना बड़ा तंग कर रही है आजकल ना, इसमें सिलाई ना कभी सही हो जाती है कभी ख़राब हो जाती है। मशीन मैंने अपनी ठीक भी कराई थी, है तो असल में ये बहुत पुरानी मशीन, मेरी शादी की मशीन है, लेकिन ये है कि ये सिलाई बहुत अच्छी देती है, तभी मैं जो हूँ ना इसको निकाल नहीं रही कि मैं दूसरी खरीदूँ, क्योंकि इसकी सिलाई ना बहुत अच्छी है, हर कपड़े पे आराम से सिलाई जाती है। जीन्स है, जर्सी है, कॉटन है, कॉटन की डबल ते कर लें या फोर ते कर लें तो ना बहुत अच्छी से सिलाई हो जाती है इसमें। तो ये मैं अपनी मशीन चेंज इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आजकल जो मशीनें आ रही हैं ना वो ज़्यादातर जो हैं पुरानी होती हैं, उनको कलर वगैरह करके ये लोग निकालते हैं। और जो ये मेरी शादी की मशीन थी ना, ये सुरखाब थी, तो ये जो मशीन है ना ये बहुत अच्छी थी। मतलब अभी तक जो है ना मैंने इसके जो अंदर के पार्ट्स वगैरह है ना वो कोई भी चेंज नहीं कराए, सिवाय इसके ये चीज़ चेंज कराई है, और एक ये चीज़ चेंज कराई थी, एक ये जो ये चीज़ है ये, और ये अक्सर टूट जाता है चलते चलते ना, इसकी नट होती है तो ये टूट जाती है, तो ये मैं चेंज कराती हूँ। बाकी मैंने आज तक अभी तक जो है ना इसमें कोई भी पुर्जा नहीं डलवाया है, तो मैं नहीं चाहती कि ये मैं अपनी मशीन निकालूं, पर मैं इसको ठीक करा लेती हूँ तो फिर ये सही चलने लगती है। आजकल ये थोड़ा धागा वागा ज़्यादा ख़राब हो रहा है इसमें। हाँ अच्छा जी अब ये जो है ना हमारा किचन हो गया है साफ, एक कप है चाय पी थी किसी ने तो, और ये भी और चाय बन रही है, ये अहमद रज़ा का सरबीना बन रहा है। अहमद रज़ा को ना कलबीना से स्टार्ट किया है खिलाना क्योंकि हम उसको सेरेलेक नहीं देते ना कोई और दूसरी चीज़, ये कलबीना जो है ना बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये अभी मेरी बेटी जो है ना उसके लिए कलबीना बना रही है। हाँ ये बड़े भी खा सकते हैं, मतलब 40 से ऊपर की उम्र के जो होते हैं, 30 से ऊपर के वो भी खा सकते हैं, यंग भी खा सकते हैं, बच्चों के लिए तो बेस्ट है, बहुत अच्छा होता है। और अभी हमारी सफाई होना बाकी है, देखें अभी ये सारा बंद है, ये सफाई बाकी है। अच्छा बस अब सफाई हो रही है, उसके बाद जो है और हम निकालने जा रहे हैं गोश्त जो कि हम दोपहर के लिए बनाएंगे। मेरे फ्रिज में ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो गई है, खाने में आज बना रहे हम जी ये है गोश्त, ये भी फ्रीज हो रहा है, थोड़ा नरम हो जाएगा, नहीं गोश्त रोटी बनेगी, थोड़े सफ़ेद चावल बन जाएंगे इस तरीके से। तो जी जब तक ये होता है मेरा, ये अभी सफाई होगी, फिर उसके बाद जो है दोपहर का खाना भी रेडी, कपड़े भी सीने हैं, अब मेरा बेटा उठ गया है तो मुझसे सामान मंगाओ। और ये मेरा मिट्ठू,
ये देखे मेरे मिट्ठू जी, ये हमारे 9 तोते थे। 9 तोतों में से कितने बचे हैं? अब हमारे ये बचे हैं 3, और बाकी जो 9 तोतों में से 6 तोते हैं ना, वो हमारी खा गई बिल्ली। और बिल्ली भी इत्तेफाक से वो है, जो पालतू बिल्लियाँ होती हैं ना, उनको बाहर गोश्त वगैरह डालते हैं, वही बिल्लियाँ आती हैं और हमारे तोतों को भी खा जाती हैं। तो बस क्या करें, बचाते तो बहुत हैं पर पता नहीं किस तरीके से वो आ जाती हैं। फिलहाल अब ये बेचारे 3 बच्चे हैं, बस अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी दे। जब तक ये हैं, हमारे बच्चे इनसे बहुत खुश होते हैं, अंशरा बहुत खुश होती है तोतों से, और हमारी जो बेटी है ना, वो उसको भी बहुत पसंद है तोते। तो जी चलें, फिर आगे का व्लॉग बनता है तो बताती हूँ। मशीन तो मेरी अभी रखी हुई है, मशीन का क्या करें। और ये अहमद अहमद सो के उड़ गए हैं, और अहमद जो हैं भाई बड़ा शोर करते हैं। अहमद अहमद रज़ा सो के उठे हैं और इतने पुरजोश हैं, इतना चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया अहमद रज़ा ने। अहमद रज़ा अहमद रज़ा, अंशरा ने मुंह धो लिया, तैयार हो रही हैं आप? अंशरा ने नाश्ता कर लिया है, फिर दोबारा से मुंह धोया, अब दोबारा तैयार हो रही हैं। अंशरा फोन ही मानेंगी। अंशरा अहमद रज़ा अहमद रज़ा अहमद रज़ा अहमद रज़ा, हाँ जी, ये अहमद रज़ा जो है ना बहुत पुरजोश है, सुबह सुबह माशाल्लाह से उठ जाता है और इतना शोर करने लग जाता है कि बस इसे बात करो ना तो फिर ये चीखे मारता है। अहमद रज़ा मतलब चीखे वैसे नहीं मारता, रोने वाली खुशी में चीखे मारता है ना। अहमद रज़ा, छोटे बच्चों को मोबाइल का इतना पता है, वो ज़रा सा अगर वो देख लेता है ना कि किसी के हाथ में मोबाइल है, बस वो मोबाइल को ही देखता रहता है। या फिर उसका ये होता है कि मुझे गोद में ले ले तो मैं फिर निगाहें उसकी ना मोबाइल पे ही रहती है, इतने तेज़ हैं छोटे बच्चे आजकल के, है ना। और जी अंशरा तैयार हो रही है, पोनी बनवा रही है अपनी मम्मा से। अंशरा को पोनी बनवानी है, वो अंशरा का बोर्ड रखा हुआ है। अच्छा, आपने बोर्ड साफ नहीं करा, इतना गंदा हो रहा है, क्यों साफ नहीं करा? अच्छा, ये नहीं हटता, ये हटता है, इस पर स्प्रे मारते हैं ना तो ये साफ हो जाता है। अंशा इसके ऊपर खेलती है अपने स्कूल से आने के बाद, और ये अंशा का जो है ना बहुत अच्छा सा है बोर्ड, इसके ऊपर अंशा अपनी पेंटिंग भी बनाती है हाथ की, है ना, हाथ को भी पेंट करती है ना, है ना। हाँ, और जी और क्या बनाती हैं आप? सर्कल और इधर आए, इधर आके बताएं। स्क्वायर बनाती हैं, सर्कल बनाती हैं, और क्या बनाती हैं आप? सर्कल। अच्छा, क्या सुन रहे हो? ट्राइंगल भी बनाती हैं ये ना, ट्राइंगल भी बनाती हैं। क्या बनाती हैं आप? ट्राइंगल। अच्छा, आपने नाश्ता कर लिया? आप तैयार हो गए? ओ नो, अच्छा नो, अच्छा बैठ तो जाए, बैठे। अहमद रज़ा आप ही कहाँ हैं आपकी? आप ही कहाँ हैं अहमद रज़ा की? ये रही आप ही, आप ही प्यारी प्यारी अहमद रज़ा की, आप ही कहाँ हैं? ओहो अहमद रज़ा की, आप ही कहाँ हैं? ओहो हो, अच्छा आप बैठो तो सही, अंशा आप बैठो तो सही भैया के पास। ये जी अंशना है, अंशा तैयार हो गई है, और अंशना ने जो है ना अभी अपने बाबा के साथ जाएंगी, तैयार हो गई है। कहाँ जाएंगी? जुम्मे को जाएंगी। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ जी, इन लोगों की रवानगी है जुम्मे को ना, ये लोग जुम्मे फ्राइडे वाले दिन जो है ना ये लोग जाएंगे इंशाल्लाह, अगर इनकी सीटें बुक हो गई तो फिर ये लोग जाएंगे सखर के लिए, अपनी दादी मम्मी के घर जाएंगे। अंशरा भी जाएंगी, और अहमद रज़ा जो है ना पहली दफ़ा जाएंगे अपनी दादी मम्मी के पास, वैसे तो उनकी दादी मम्मी आके देख के चली गई है इनको, लेकिन ये अपनी दादी के घर पहली दफ़ा जाएंगे, है ना भाई? ओ फिर आ जाएंगे आप? अच्छा, फिर स्कूल भी तो जाना है ना, फिर स्कूल भी जाना जी। वो मुझे जाने नहीं देंगे। अच्छा चलो सही है, ये तो अच्छी बात, सही है ना, आप वहीं रुक जाना, फिर आपकी टीचर बोलेंगी अंशरा जो है भाई स्कूल नहीं आ रही, क्या करें, फिर टीचर तो डांटेंगी ना। मैं छुप जाऊंगी। बच्चों के पास बहाने बहुत होते हैं पढ़ाई ना करने के, है ना, पढ़ाई ना करने के बहुत सारे बहाने होते हैं। और बात सुने इसकी कि ये कह रही है कि मैं टीचर से छुप जाऊंगी जाके सकर, ताकि वो मुझे ढूंढ ना सके। और अहमद रज़ा आप ये भी छुप जाएंगे। चलें जी, अब मैं थोड़ा इन बच्चों को देख लूँ,
फिर मैं आगे का करती हूँ व्लॉग शुरू। अच्छा जी, ये देखें हमारे घर की सफाई भी हो गई है, मेरी बेटी ने सारी सफाई कर दी और ये अंशा खिलौने समेट लिया। अंशा जो है ना खेल लिया उन्होंने सफाई करने के बाद, दोबारा से खिलौने भी खेल लिए थे। ये अहमद रजा, अहमद रजा को भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है, ये लीजिए देखना उसको बेटा। अच्छा जी, ये देखिए ये मेरा फोमन है, ऐसे यहाँ का भी ये सारा साफ हो गया, अंशा के खिलौने बिखरे हैं सब साफ हो गया, सारा साफ हो गया। यहाँ जो मैं बिछाती हूँ ना कारपेट, वो धुलने गया हुआ था, वो अभी धुल कर आया है, तो मेरा इधर रख पड़ा। ये रूम भी साफ हो गया, ये धुलने गया हुआ था जी लॉन्ड्री, ये लॉन्ड्री से धुल कर आया है, अभी हम उसको वहाँ पर बिछाएंगे। ये मेरा रूम भी साफ है, ये मेरे कपड़े कटिंग की रखी हुई है। और जी हमारा बन रहा खाना। अच्छा जी, गोश्त तो मैंने धो लिया था, ये गोश्त मेरा लग रहा है, तो हमने सोचा हम दोपहर में, क्योंकि ना अभी कोई था नहीं घर में, बच्चे भी गए हैं आज संडे बाहर, तो हम घर में तीनों थे, और तो हमने बोला चलो दोपहर में जो है ये जो है थोड़े से आलू वाले चावल बना लेते हैं, स्टीम लग रही है तो ये उसका मसाला थोड़ा बहुत, ये बन रहे हैं आलू वाले चावल। और जी मेरा किचन तो साफ़ हो गया है, बस ये एग्जॉस्ट साफ़ करना रह गया था, एग्जॉस्ट मेरा बहुत गंदा हो रहा है, ये भी किसी दिन साफ़ होगा। और जी मेरा पानी की बोतल। तो जी ये है हमारा टोटल ब्लॉग। अच्छा ये तो गोश्त ये हम बिल्ली को देते हैं ना, ये वो रखा है। अच्छा जी अभी दोपहर में तो हमारा बन जाएगा आलू वाले चावल, हम बना रहे हैं वो बनेंगे, और रात के खाने में हमारा बनेगा तो सिरी का गोश्त लेकर आए थे वो बनेगा, ये सिरी का गोश्त है, ये बनेगा, रोटी बनेगी साथ में, सफ़ेद चावल बनेंगे। तो जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कॉमेंट कीजिएगा। और मेरा सामान भी आ गया है जो मैं सिलाई करने बैठ रही थी ना, तो अब मैं सिलाई करने बैठूँगी तो ये मैं अपना रेडी कर लूँगी, ये मेरा तो हमारा सारा काम हो जाएगा। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी हमारा दोपहर का खाना रेडी।